बच्चे क्लास में चाहिएंगे। 9:25 तक सब स्टूडेंट्स मुझे क्लास में कल से चाहिएंगे, ताकि 5 मिनट हम लोग इंट्रोडक्शन करें, उसके बाद एग्जिट 9:30 से हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, कल से सब बच्चों को टाइम से आना है। तो आज का मैंने आप लोगों को प्लान बता दिया, आज का प्लान, आज हम क्या करने वाले हैं। एंड इसके बाद ना आपकी 4 वीक्स और क्लासेस चलने वाली है, उन 4 वीक के बेसिस पे आपके 4 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। इन टेस्ट में जैसा बच्चों का स्कोर रहेगा, उस स्कोर के बेसिस पे हम आप लोगों को बैचेस में डिवाइड करेंगे कि हमारे बच्चे किस एग्जाम के लिए सफिशियंट है, किस एग्जाम के लिए उनके पास पोटेंशियल है कि वो नीट बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, या फिर वो नीट से थोड़ा और अलग टाइप के एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं, जैसे कि एम्स नर्सिंग, या फिर जो बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उसको साइंटिस्ट के लिए हम प्रिपेयर कराएंगे, या फिर CUET एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं। इस वे में हम बच्चों को अलग अलग बैचेस में डिवाइड करेंगे। तो सब बच्चों को मेक श्योर करना है कि आपको सारी आगे वाली क्लासेस अटेंड करनी है। एक भी क्लास अगर आप मिस कर जाओगे ना, तो एक क्लास मिस करने का मतलब आप एक पूरा टेस्ट मिस कर जाओगे बच्चों, क्योंकि एक क्लास जो होगी टीचर की, उसी क्लास में से होगा 1 टेस्ट। आज की जो क्लास में 30 मिनट्स कराऊंगी ना, उसके अंदर से भी आपका टेस्ट होने वाला है। आपको DPPs भी दिए जाएंगे, जैसे आज क्लास होगी, आज की क्लास के बाद आपको डीपीपी नहीं मिलेगा। जब ये 4 वीक वाला प्लान स्टार्ट होगा ना, नेक्स्ट वीक वाली जो 1 आवर की पूरी क्लास होगी, उस क्लास से रिगार्डिंग आपको डीपीपी मिलेंगे, आपको वो सॉल्व करना है। उसके साथ साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे, आपसे टेस्ट कराए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? चलो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, लास्ट आपको जिससे भी आपने अपने ओरिएंटेशन सेशन लिया था, ओरिएंटेशन आपका आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स का आप अभी सर के साथ हुआ है या फिर मेरे साथ हुआ है। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अवेलेबल कोर्सेज आफ्टर 12th क्लास के बाद आपके पास कौन कौन से कोर्सेज या फिर कौन कौन से आप लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो वहां पे हमने देखा था इंजीनियरिंग का ऑप्शन था हमारे बच्चों के पास, वो आपका PCM वालों के लिए है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी सिर्फ PCB का। अच्छा, यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो MBBS करना चाहते हैं? कितने बच्चे यहाँ पे MBBS करना चाहते हैं? सलोनी मिश्रा, वेरी गुड, ओके। अच्छा, मतलब सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे MBBS करना चाहते हो। बेटा अगर MBBS करना है ना, तो आप लोगों को नीट बैच में आना पड़ेगा, और नीट बैच हमारे बच्चों को सिर्फ तभी मिलेगा जब बच्चे टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे। और टेस्ट में कब अच्छा स्कोर करोगे? जब आप क्लास में डेली आओगे, क्लास में टीचर को बहुत अटेंटिवली होके सुनोगे। तो बच्चों अगर आपको MBBS करना है, या फिर आपको डेंटिस्ट्री करना है, BDS करना है, BHMS करना है, BAMS, BUMS, इनमें से बच्चों कोई भी कोर्स करना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको नीट एग्जाम ही देना होगा। ओके काजल, ओके कीर्ति, वेल डन बच्चों। ठीक है, अब हमसे एक स्टूडेंट ने पूछा था, मैम मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो बेटा देखो, अगर आपको मन है कि आपको इन्वेंशंस करनी है, आपको रिसर्च करने में मन लगता है, आपने एक अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज कर लिया। अच्छा, जिसने बोला था मुझे साइंटिस्ट बनना है, वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताओ मुझे। फेवरेट सब्जेक्ट सपोज करो आपका बायोलॉजी है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो आपको क्या करना होगा बच्चे? पहले बायोलॉजी के अंदर आपको BSc करना होगा, देन इसके अंदर आपको MSc करना होगा। फिर MSc करने के साथ साथ जब आप MSc करते हो ना बच्चा, तो MSc करने में ना आपको बहुत प्रोजेक्ट मिलते हैं, या फिर आप MSc से ही अपनी रिसर्च वर्क स्टार्ट कर सकते हो। MSc के अंदर भी रिसर्च आपकी होती है। अब BSc भी ना, अच्छा आपको पता है ना, बायोलॉजी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। तो आपको इसमें से एक सब्जेक्ट चूज करना होगा कि आपको जूलॉजी में इंटरेस्ट है या बॉटनी में इंटरेस्ट है। सपोज मैंने मान लिया आप लोगों को जूलॉजी में इंटरेस्ट है, तो बेटा आप BSc इन जूलॉजी करो, फर्दर आप MSc इन जूलॉजी करो। BSc इन जूलॉजी क्या, MSc इन जूलॉजी क्या, देन आप अपनी रिसर्च कर सकते हो किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। अब आप सोचोगे मैम जूलॉजी में कैसी रिसर्च हम कर सकते हैं? जूलॉजी में आप किसी भी वायरस के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, किसी भी एंजाइम के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, इवन कोई मेडिसिन है, वो मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर कैसे इंट्रैक्ट करती है,
मैम कितने ईयर? बेटा बीएससी आपका 3 ईयर का कोर्स होता है, 3 साल की होती है। एमएससी आपकी 2 ईयर्स की होती है। मैम बीएससी इन बायोमेडिकल करने के बाद, बेटा बायोमेडिकल का मतलब भी वही है, बायोमेडिकल में सिर्फ ये हो जाएगा आप थोड़ा सा मेडिकल रिलेटेड बायोलॉजी पढ़ोगे, ये हो जाता है। बीएससी बहुत सारी ब्रांचेस में होती है। जैसे जैसे हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे ना, जरूरी नहीं सिर्फ आज ही के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे, पूरे साल जब आप मुझसे पढ़ोगे ना, तो जितनी इंफॉर्मेशन है, मतलब बीएससी किस किस ब्रांचेस में हो सकती है, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ेंगे ना, उस टॉपिक में आप अपना करियर अगर बनाना चाहते हो, मैं वो चीजें भी आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनको ये रहता है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़, जब वो पढ़ते हैं कि मैम मुझे तो इस वाली डिसीज के अंदर जाना है, मुझे तो कैंसर स्पेशलिस्ट बनना है, मुझे ना छोटे छोटे बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं वो बनना है, या फिर मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, ये सारी इंफॉर्मेशन ना आपको क्लासेस के साथ में दूंगी। मैम बीएससी इन केमिस्ट्री एंड मैथ होना कंपल्सरी होता है इन 11th एंड 12th क्लास। बीएससी इन मैथ केमिस्ट्री एंड मैथ बेटा जरूरी नहीं है, अगर आपने मतलब, बट देखो मैं आपको ना बताती हूँ, बीएससी 2 टाइप का होता है, एक होता है बीएससी ऑनर्स और एक होता है बीएससी जनरल। बीएससी ऑनर्स का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बेटा सभी के साथ मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार बताना प्लीज, सभी को मेरी वॉइस ब्रेक आ रही है? नो मैम। नेहा एक बार? नो मैम। ओके ओके बेटा, नेहा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, मे बी आपका नेटवर्क इश्यू होगा। चलो अब मैं बता रही थी बच्चों को बीएससी के बारे में। बेटा बीएससी ना 2 टाइप की होती है, बीएससी ऑनर्स और बीएससी जनरल। ऑनर्स का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप बीएससी कर रहे हो, सपोज आपको बीएससी सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी में करना है, तो बायो के अंदर भी आपको या तो बॉटनी सेलेक्ट करना पड़ेगा या जियोलॉजी सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना है, बीएससी इन केमिस्ट्री करना है, बीएससी इन फिजिक्स करना है, बीएससी इन मैथ्स। वैसे मैथ्स वाले बच्चे तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे। अब जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल का मतलब होता है सीबीजेड। सीबीजेड का मतलब ये हुआ कि आप अगर बीएससी जनरल कर रहे हो तो आपके पास वहां पे 3 सब्जेक्ट होंगे, केमिस्ट्री, सी फॉर केमिस्ट्री, बी फॉर बॉटनी, जेड फॉर जियोलॉजी। बीएससी में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता बेटा, बीएससी में एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से बीएससी करना चाहते हो ना, तो बहुत अच्छे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पे। तो ये वाली चीज आप डिसाइड कर लो कि आपको बीएससी किस सब्जेक्ट में करनी है। सेम सब्जेक्ट में बेटा एमएससी करो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, आपने बीएससी फिनिश कर लिया, बीएससी के साथ साथ एक एग्जाम होता है यूजीसी नेट, ये एग्जाम कितने बच्चों को पता है यूजीसी नेट का? नाउ एंट्रेंस एग्जाम आर कंपल्सरी टू ऑल एग्जाम्स। बेटा एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है? सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम का मतलब सिर्फ ये होता है ना कि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन अगर आप चाहते हो, वो भी कम से कम फीस में आपका हो जाए, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। नहीं तो आप डायरेक्ट एडमिशन तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप ले सकते हो, इतनी सारी फीस होगी वहां की, बस फैसिलिटीज आपको सब मिलेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कम फीस में एक अच्छा कॉलेज लेना, तो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा। मैम जूलॉजी, बेटा जूलॉजी में ना हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, JOO जू, पता है ना, जू जाते हो सब, वहां पे एनिमल्स दिखते हैं। बॉटनी मतलब बोटेनिकल गार्डन्स, बॉटनी में आप प्लांट्स की स्टडी करते हो। यूजीसी नेट इज यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वेरी गुड। तो बेटा यूजीसी नेट आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ ना आप एक और एग्जाम होता है गेट, GATE गेट। ये ना मैं उस स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ जिसको रिसर्च में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, गेट एग्जाम आप दे सकते हो। सपोज करो बच्चों आपने गेट एग्जाम क्रैक कर लिया, तो गेट एग्जाम क्रैक करके ना आप ये जो आपकी एमएससी है किसी भी आईआईटी से कर सकते हो, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी पुणे, बहुत सारे बच्चों कॉलेजेस होते हैं, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली सारी इंफॉर्मेशन ना जैसे जैसे आप मेरे साथ कंटिन्यू करते जाओगे क्लास में, आपको धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। आफ्टर 2 से 3 मंथ्स, जस्ट 2 से 3 मंथ्स में आप लोग एकदम श्योर हो जाओगे कि मुझे किस ब्रांच में जाना है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, उसके बाद मुझे कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, ये सारी चीजें आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैम जिन्हें नीट देना है उनके लिए सीयूईटी एग्जाम भी अटेम्प्ट करना? नहीं बेटा, नीट और सीयूईटी दोनों अलग अलग एग्जाम्स हैं,
नीट्स तो सिर्फ आपको मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन दिलाएगा, लेकिन सीयूईटी आपको बैचलर कोर्सेज में, जैसे कि ये सब। अच्छा मैं रफ कर दूँ ना जो ये मैंने लिखा हुआ है, किसी को नोट तो नहीं करना ना यहाँ से कुछ भी। चलो देखो, अब हमारे बच्चे ने बताया सीयूईटी वाला। सीयूईटी के बारे में मैं अभी बताऊंगी, एक बार अपना ये सुन लो। जैसे कि मैंने आपका साइंटिस्ट का बता दिया, साइंटिस्ट के लिए बेटा पहले बीएससी करना होगा, फिर एमएससी। जैसे कि मैंने अपनी एमएससी फिनिश कर रखी है, मेरी मास्टर्स डन है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं रिसर्च कर सकती हूँ। बस एक दो एंट्रेंस एग्जाम अगर मैं दूंगी तो मुझे टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में मिल जाएगा एडमिशन। लेकिन अगर मैं नॉर्मली भी किसी लैब में जाके रिसर्च करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है तो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर आपको नर्सिंग करना है तो बेटा नर्सिंग करने के लिए भी ना आपको नीट एग्जाम देना होगा। अगर आपका एम है कि मुझे नर्सिंग करना है, नर्सिंग अगर आपको एएफएमसी से करना है तो बेटा तब भी नीट देना होगा। अगर आपको एमएनएस में जाना है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में, तब भी आपको नीट देना होगा। लेकिन अगर आपको एम्स से नर्सिंग करना है तो फिलहाल एम्स का ना खुद के एम्स का खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। मैम बीएससी और एमएससी करके हम साइंटिस्ट के अलावा कुछ और, बेटा बीएससी और एमएससी करके ना आप टीचर भी बन सकते हो। बीएससी एमएससी के लिए टीचिंग ही रिक्वायर्ड होती है, आप टीचिंग कर सकते हो। मैम आप साइंटिस्ट, नहीं बेटा मैंने साइंटिस्ट वाला चूज नहीं किया ना, अगर मैं रिसर्च करने लग जाती तो मैं साइंटिस्ट की पोस्ट पे चली जाती, लेकिन मैंने तो टीचिंग चूज कर लिया है। तो दो ऑप्शंस आप लोगों के पास होते हैं। फिर आता है हमारे पास फिजियोथेरेपी का। अगर आप बीएससी इन फिजियोथेरेपी करना चाहते हो तो बेटा आपका 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर। बीएससी इन फिजियोथेरेपी 4 ईयर कोर्स होता है। बीएससी इन नर्सिंग 4 ईयर, सॉरी बीएससी इन फिजियोथेरेपी आपका 2 ईयर कोर्स, सॉरी 3 ईयर कोर्स बेटा। बीएससी इन नर्सिंग 4 ईयर कोर्स एंड बीएससी इन फिजियोथेरेपी 3 ईयर कोर्स, ठीक है यहाँ तक। चलो अब बात आती है कि ये तो आपकी कोर्सेज के बारे में मैंने बताया, अब इन कोर्सेज में एंटर होने के लिए आपको किस किस एग्जाम की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हमारे डॉक्टर बच्चों के लिए मैंने बता दिया आपको नीट देना है, और नीट में भी बेटा टॉप रैंक लेके आनी है आप लोगों को। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ नीट देना है, टॉप रैंक लेके आनी है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको नीट देना होगा, या फिर आप एम्स नर्सिंग के लिए भी एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्टेट में आप पर्टिकुलर जाना चाहते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ आपका राजस्थान, आप उत्तराखंड में जाना चाहते हो, या आप कर्नाटका की साइड जाना चाहते हो, तो बेटा वहाँ के जो स्टेट्स है ना वो स्टेट अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है। लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे दिल्ली वाले बच्चे वहां जाएंगे। अगर आप सभी, बिकॉज सभी दिल्ली से ही है वैसे, तो आप ना नीट एग्जाम दो। नीट के थ्रू आप एएफएमसी से कर सकते हो, या फिर आपका है ही आपका एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली टारगेट बनाओ, एम्स बीएससी नर्सिंग खुद का एंट्रेंस एग्जाम वो करेक्ट रखते हैं। लेकिन आई थिंक नेक्स्ट ईयर से ना एम्स नर्सिंग भी नीट में ही आ जाएगा, कि अगर एम्स से नर्सिंग करनी है ना तो नीट के थ्रू ही आपका एडमिशन मिलेगा। लेकिन इस साल तो अलग से एंट्रेंस एग्जाम है एम्स का। नर्सिंग के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है नीट में बेटा, अगर नर्सिंग करनी है ना तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो। अगर आपको एएफएमसी करना है ना तो बेटा 400, एएफएमसी से नर्सिंग करना है तो 400 से ज्यादा मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है मैम नीट। नहीं बेटा, अगर आपने एक बार नीट क्रैक कर लिया, एएफएमसी की सीट आपको मिल जा रही है वहां पे, तो फिर कोई एग्जाम नहीं देना होगा। एएफएमसी की फुल फॉर्म होती है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। ये एएफएमसी की फुल फॉर्म है। एएफएमसी के डॉक्टर के कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है बेटा, वो हर साल वैरी करता है। अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हो ना तो 400+ आपको चाहिए होंगे, लेकिन अगर आप वहां से एमबीबीएस करना चाहते हो एएफएमसी से, तो बेटा वहां पे एमबीबीएस करने के लिए आपके 600+ होने चाहिए। ऑब्वियसली बेटा आईआईएससी से आप एमबीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड कर सकते हो। एमबीबीएस के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है, एम्स के लिए बेटा, एम्स के लिए वही 600+ तो चाहिए ही चाहिए। बीडीएस के लिए कितने मार्क्स चाहिए नीट में बेटा, 21। एक बात ध्यान से सुनना, आप लोग अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो नीट के लिए, यस और नॉट, ये बताओ पहले। अगर बीएससी जियोलॉजी कर लिया
तो डॉक्टर लाइन रिक्वायर्ड हो सकते बेटा, बीएससी जूलॉजी करके ना मेडिकल में नहीं जा सकते हो। हाँ मेरी बात सुनो, अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया है नीट के लिए पढ़ाई करना, तो अभी से आप क्यों सोच रहे हो मैम कितने एग्जाम चाहिए। चलो अगर एग्जाम्पल लो, मैंने आपको बेटा बता दिया कि आपको 610 मार्क्स अगर आप लेके आते हो, 610 अगर आप मार्क्स लेके आते हो तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। मैं अगर आपको ये बता रही हूँ ठीक है, लेकिन बच्चों एक चीज समझो ना, आप फिर आपके माइंड में बस ये रहेगा कि मुझे ना 610 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर करना है, 610 नंबर के लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन एग्जाम होता है 720 नंबर का। अगर आप अभी अपना टारगेट ये 620 ना बना के इसको टारगेट बना लो कि मुझे 720/720 ही लेके आना है, तो बेटा 720/720 के लिए अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपके 650+ तो आ ही जाएंगे ना। बताना जरा एक बार, अगर आप 720, अच्छा एक छोटा सा एग्जाम है आपका 10 मार्क्स का, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, 10 नंबर का एक आपका एग्जाम चल रहा है, उसमें 10 ही क्वेश्चन है ना, 10 ही क्वेश्चन है। टीचर ने ये बोल दिया कि आप यहाँ पे 6 मार्क्स पे पास हो रहे हो, तो क्या आप सिर्फ वहां पे 6 नंबर के लिए पढ़ाई करोगे? आपने सपोज करो 6 नंबर के लिए पढ़ाई करी, तो जरूरी थोड़े ना 6 के लिए पढ़ाई करोगे तो 6 में से 6 ही आएंगे। बताओ अगर आपने 6 मार्क्स के लिए पढ़ाई स्टार्ट की तो 6 में से 6 नहीं आएंगे ना। तो बेटा अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करो 10 मार्क्स के लिए, हमेशा पढ़ाई 100% के लिए स्टार्ट करो, क्योंकि 100% के लिए स्टार्ट करोगे वहां पे दो पॉसिबिलिटी होंगी, ये तो 100/100 मिलेगा या 100 से कुछ ही कम मिलेगा। इसलिए टारगेट हमेशा 100 को बनाया करो, टारगेट ये मत बनाओ कि उसके लिए ना मुझे सिर्फ 610 मार्क्स चाहिए, या मुझे बीएससी नर्सिंग करना है तो मुझे सिर्फ 400 मार्क्स चाहिए, ऐसा मत टारगेट बनाओ। टारगेट 100% बनाओ तो आपकी मेहनत भी 100% होगी फिर, ठीक है? एग्री कर रहे हैं ना सब बच्चे इस बात से? बेटा आईआईएससी में एडमिशन लेने के लिए खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईआईएससीआर, आइजर, इसके लिए भी मैं अभी बताऊंगी ना, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जस्ट पेशेंस रखो थोड़ा। फिर आता है आपका साइंटिस्ट बनने के लिए। अब साइंटिस्ट बनने के लिए आपको बीएससी और एमएससी करना है। अब हमारे बच्चे बीएससी और एमएससी कैसे करेंगे? बीएससी के लिए बेटा आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है सीयूईटी, जिसके बारे में सब कुछ पता, सबको पता है, इसके अंदर डीयू आता है, जामिया आता है, अलीगढ़ आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये बेटा बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर करो, सीयूटी में अच्छे मार्क्स लेके आओ और आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, वहां से आप अपनी बैचलर्स कर लो। मैम एम्स में बीएससी करने के लिए तो नीट ही होता है ना? यस नीट ही होता है बेटा, क्योंकि पहले शायद एम्स का, हाँ पहले एम्स खुद के अलग एंट्रेंस एग्जाम कराता था, लेकिन अभी सारे के सारे जो ये है ना एम्स और एएफएमसी सब धीरे धीरे नीट में इन्वॉल्व होने लग रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर से आई थिंक एम्स बीएससी नर्सिंग खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता ना, वो भी नीट में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बेटा सीयूईटी, या फिर एक और होता है आईपीयूसीटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, अगर जिसको नहीं पता, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना, गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, वहां से भी आप बीएससी अपना या फिर एमएससी कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको बीएससी इन फिजियोथेरेपी करना है, फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, उसके लिए आपका नीट एग्जाम भी सफिशियंट रहता है, सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन मिल जाता है, आईपीयूसीटी के थ्रू भी एडमिशन मिल जाता है। बेटा सीयूईटी का सिलेबस ना, सबसे बड़ी बात ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 12th का आता है। अभी आप 12th का पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आपका टारगेट है साइंटिस्ट बनना तो 12th अच्छे से पढ़ लो। सीयूईटी के में सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, आईपीयूसीटी में भी 11th का कुछ कुछ बेसिक आता है और 12th ही आता है मैक्सिमम। बेटा वो डिपेंड करता है सीयूईटी कितने मार्क्स, मतलब आप में कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हो। चलो अब हम आगे चलते हैं, अब आता है कि इन एग्जाम्स के लिए क्या क्या सिलेबस रिक्वायर्ड है। अब सिलेबस देखो, अगर आप लोग जाते हैं 11th पीसीबी वाले बच्चे, हमारे पास नीट के लिए 11th और 12th दोनों सिलेबस है, एम्स नर्सिंग में 11th और 12th दोनों का सेलेबस आता है, लेकिन सारा सेलेबस नहीं आता, नीट की कंपैरिजन में बहुत कम सेलेबस होता है एम्स नर्सिंग का।
अब कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ना आईआईएससी में एडमिशन कैसे चाहिए। बेटा आईआईएससी में एडमिशन लेने के लिए आइजर एग्जाम दो, आइजर से आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कर सकते हो। मैम नीट में आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता है बेटा, नीट में ना 95% एनसीईआरटी आता है, नीट में 95% एनसीईआरटी आता है, और जो बच गया ना 5% वो आपको मैम करा देगी। 5% आप मुझ पे छोड़ दो, जितना एनसीईआरटी से बाहर आता है ना वो मैं आपको सारा यहाँ पे करा दूंगी, ठीक है। अब ये आईसीएआर ये क्या है, आइजर एक एग्जाम होता है बेटा टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो, बीएससी इन फॉरेस्ट्री करना चाहते हो, बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंस करना चाहते हो, या इस वे में किसी भी इसमें बीएससी करना चाहते हो, मैम 100% आप पर ही छोड़ दे। हाँ बेटा 100% मुझ पे छोड़ दो, लेकिन फिर मैं भी तो आप लोगों से 100% ही एक्सपेक्ट करूंगी ना, कि आपकी अटेंडेंस भी 100% होगी, आप क्लास में अटेंटिव भी 100% रहोगे, फिर आप लोगों के स्कोर भी 100% आएंगे, राइट अदीदा। 100% मुझ पे छोड़ोगे ना तो मेरी यस एक्सपेक्टेशन भी मैम, आप लोगों से। ओके मैम श्योर वी आर रेडी टू गिव यू 100%। ओके अगर आप बेटा 100% दोगे ना तो मैम आपको 200% देंगी फिर। चलो अब आता है हमारा ऐसे एंट्रेंस एग्जाम जिसमें सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, वो आपका सीयूईटी और आईपीयूसीटी, जिसके थ्रू आप बीएससी और एमएससी या फिर बीएससी फिजियोथेरेपी इनमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन इवन सबको याद हो जाएगा, मैं डेली जब भी हम क्लासेस लिया करेंगे ना, रेगुलर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, डेली क्लासेस हुआ करेंगी, तो हम कुछ ना कुछ टॉपिक डिस्कस किया करेंगे इनसे रिलेटेड, ताकि बच्चे हमारे एकदम फिक्स हो जाए कि हमें तो सिर्फ यही करना है, कोई कंफ्यूजन ना रहे उसके माइंड में। चलो अब लास्ट सेशन में ना आपको ओरिएंटेशन में पोल करना सिखाया होगा, एक बार ये वाला पोल जरूर बच्चे कर दो आईआईटी जेई। वैसे पीसीएम के बच्चे यहाँ पे हैं नहीं, बट फिर भी मैं आप लोगों से एक बार पोल करा लेती हूँ, है ना। पता तो है इस सबको जेई में कौन सा सिलेबस आता है। अच्छा मैंने पोल लॉन्च कर दिया, एक बार अपना अपना आंसर दे दो ताकि मुझे पता चल जाए बच्चों को पोल आता है, कि जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगी मैं इतने सारे पोल कराऊंगी। हमारे पास अभी बच्चे हैं 53 54 अराउंड बच्चे हैं हमारे पास। डन डन वेरी गुड इरम, 26 वोट्स आए हैं बच्चों पास। क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही है ना बच्चों को। नो मैम, नो मैम, ओके चलो अब हम स्टार्ट, मैं ट्राई कर रही हूँ ना जल्दी से इसको फिनिश करके ना आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूँ। अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओ, अगर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो आपको एमएससी इन बायोलॉजी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का आंसर हमारे सब बायो वाले बच्चे देंगे, बताओ अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। एमएससी इन बायोलॉजी करना पड़ेगा बेटा, एमएससी इन फिजियोथेरेपी नहीं करना पड़ेगा, या फिर उससे पहले तो बीएससी इन फिजियोथेरेपी करना होगा ना। बीएससी इन फिजियोथेरेपी बेटा ध्यान से पढ़ो, वो बायो में बोल रहे हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बीएससी इन फिजियोथेरेपी करना जरूरी है ना कि बायोलॉजी में। चलो अब हमारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई अच्छे से, डन। अब आते हैं बच्चों, क्या हमारे पास सफिशियंट कॉलेज में सीट प्रेजेंट है, बिकॉज हम प्रिपेयर तो करना स्टार्ट कर देंगे, अभी हम आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे नीट के लिए, है ना, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों की कितनी सीट हमारे पास अवेलेबल है। तो टोटल बेटा 4.6 लाख सीट है। अब एक स्टूडेंट का नाम मैं ले रही हूँ, जैसे कि सलोनी मिश्रा है हमारे पास, अनम है, तानिया है और इशिका है, तो आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना। तो बेटा आज से ना जितने हमारे, सपोज करो हमारे पास क्लास में कितने बच्चे हैं, अभी 45 बच्चे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ इन 45 बच्चों से नहीं है बेटा, आपका कॉम्पिटिशन है 4.6 लाख स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर आप सोच रहे हो ना, आपने एक अपने फ्रेंड को कॉल करा, आपका फ्रेंड घूम रहा है इधर से उधर, आपने सोचा कि यार वो तो घूम रहा है, मैं क्यों पढ़ाई करूँ, फिर आता ही नहीं आता अच्छे बच्चों के मन में ये चीज। एक फ्रेंड से मैसेज पे बात कर रहे हो कि यार तुम क्या कर रहे हो, उसने बोला कि यार मैं तो टीवी देख रहा हूँ,
है ना, या मैं टीवी देख रही हूँ। आपने सोचा यार मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मैं भी नहीं पढ़ाई करती हूँ, वो भी टीवी देख रही है, मैं भी टीवी देख लेती हूँ बैठ के, एग्जाम तो दोनों का ही है, आता है ना ये चीज मन में बच्चों के। तो ये मत सोचना अगले दिन वही फ्रेंड टॉप कर लेता। एग्जैक्टली बेटा यही होता है, वही फ्रेंड टॉप करता है जो बोलता है मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की हुई है, मुझे एग्जाम से पहले नर्वसनेस हो रही है ना। तो अपने आपको ये सोच के चलो बेटा, सिर्फ आपका आपके फ्रेंड के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन 4.6 लाख स्टूडेंट्स के साथ है। आज से सब बच्चे टारगेट ये बनाएंगे, मेरा कॉम्पिटिशन सिर्फ मेरे क्लासमेट या मेरे जितने कॉन्टेक्ट में फ्रेंड उनके साथ नहीं है, मेरा कॉम्पिटिशन उस स्टूडेंट के साथ है जो टॉप रैंक लेके आते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास इतनी सीट्स है इन 4 पॉइंट। अब देखो ना, 4.5 लाख सीट है, उसमें से सिर्फ एक ही तो सीट हमें चाहिए ना, हर बच्चे को एक ही तो सीट मांग रहे, कुछ ज्यादा सीट थोड़े ही ना मांग रहे हैं। तो सब बच्चे मेहनत करेंगे एक एक सीट के लिए, अपना सीक्रेट नहीं बताते और टॉप कर जाते। यस यही तो होता है ना बेचा, पढ़ाई ना एकदम साइलेंस में करनी चाहिए ताकि आप लोगों का जो सक्सेस, आप लोगों का जो रिजल्ट हो ना, वो उतना ही ज्यादा एग्रेसिव हो। तो पढ़ाई साइलेंस में करो ताकि रिजल्ट सबको पता चल जाए, पढ़ाई के बारे में किसी को पता ना चले, रिजल्ट सबको पता लगे, ऐसे पढ़ाई किया करो। अब देखो ये 4.6 लाख के लिए हमारे पास 2500 गवर्नमेंट कॉलेज है। अब इन 2500 गवर्नमेंट कॉलेज में से हमारे बच्चे को तो एक गवर्नमेंट कॉलेज है एम्स दिल्ली, सबको ये चाहिए है ना, चाहिए लेकिन एम्स ही। चलो दिल्ली भी नहीं और कोई भी मिल जाएगा, लेकिन चाहिए सिर्फ और सिर्फ एम्स हम लोगों को। अब आता है बच्चों आगे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में से टोटल हमारे पास कितनी सीट्स है, 4.6 लाख सीट है। 4.6 लाख सीट में से 11th एंड 12th के सिलेबस जिसमें आता है उसके लिए हमारे पास 2.2 लाख सीट है, और जिस एग्जाम में सिर्फ 12th का सिलेबस आता है उसके लिए हमारे पास 2.4 लाख सीट है। तो अगर आप 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस पढ़ रहे हो, मीन्स नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो 2.2 लाख सीट अवेलेबल है आप लोगों के पास। लेकिन अगर आप सिर्फ 12th का सिलेबस पढ़ रहे हो, जैसे कि आपका CUET, IPU CET, इन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका कॉम्पिटिशन 2.4 लाख स्टूडेंट्स के साथ है। ये सब बच्चे आज से ध्यान रखेंगे। अब आता है कि बेटा अवंती आप लोगों की कैसे हेल्प करेगी इन सब चीजों में। अब हम लोग बेटा आप लोगों की कैसे हेल्प करने वाले हैं, हम आप लोगों को रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, उसके साथ साथ आपकी वीकली टेस्टिंग भी होगी। ये सिर्फ अभी 4 वीक वाला प्लान तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसके अलावा जब रेगुलर क्लासेस चल जाएंगे बेटा तब भी यही होगा, पूरे हफ्ते आप लोगों को टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर हर वीक आप लोगों के टेस्ट लेंगे, आप लोगों को टेस्ट रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगी, DPPs आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। हम अपनी साइड से फुल एफर्ट्स लगाएंगे ताकि हमारे बच्चे टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाए, उनको उनका ड्रीम कॉलेज जो एम्स दिल्ली है वो मिल जाए, ठीक है। अब आता है कि हर वीक क्या होने वाला है, हर वीक आप लोगों की 3 क्लासेस होंगी। हाँ बोलो मैम, अगर ये 4 वीक सेशन खत्म होने के बाद हम जैसे एनरोल कर लेते हैं बैच में, तो उस ग्रुप में कितने बच्चे होंगे बेटा? उस ग्रुप में ना जैसे अभी स्ट्रेंथ है ना हमारे पास 52 के आसपास, तो इतने ही रहेंगे, मतलब 40 के आसपास रहेंगे बच्चे। जरूरी नहीं होता मतलब सभी बच्चे रेगुलरली पढ़े, तो हमारे पास आपके अराउंड इतने ही रहेंगे। ओके मैम, ठीक है मैम। हाँ हाँ बोलो। जैसे हमने तो 12th पास कर रखी है, मतलब अभी एग्जाम दिए हैं 12th के, और बाकी जो बच्चे हैं वो अभी 12th में अपीयर कर रहे हैं, तो मैं हमारे ग्रुप्स अलग होंगे या एक में ही? बेटा आप 12th कर चुके हो ना फिनिश? यस मैम, अभी एग्जाम दिए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो इसका मतलब आप ड्रॉप लेना चाह रहे हो 1 ईयर का? यस मैम। हाँ तो बेटा ड्रॉप लेने वाले और 12th वालों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि पढ़ाएंगे तो हम जो 12th में है उनको भी 11th एंड 12th पूरा ही, और जो ड्रॉप लेने वाले हैं उनको भी 11th एंड 12th पूरा पढ़ाएंगे। मेनली जो हमारा जो टारगेट है ना यहाँ पे, वो नीट 2023 स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए रहेगा। तो नीट 2023 हमारे ड्रॉपर्स भी देंगे और आपके 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी देंगे। अब 11th वालों के लिए कुछ चेंज हो जाता है, बिकॉज 11th वालों का टारगेट होता है 2024, राइट? चलो यस मैम। अब आते हैं बच्चों, 3 क्लासेस आप लोगों को वीकली प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे कि आज बायो की क्लास है, एक क्लास आपकी फिजिक्स की होगी, एक क्लास आपकी केमिस्ट्री की होगी। आज क्या है, आज हमारा डे है फ्राइडे, है ना? तो
आप लोगों की नेक्स्ट क्लास आई थिंक या तो कल होगी या मंडे में होगी, फिर नेक्स्ट क्लास उससे वेडनेसडे में होगी। अल्टरनेट डेज पे क्लासेस लेंगे हम बच्चों की अभी। फिर जैसे ही क्लास फिनिश होगी आप लोगों को डीपीपीज दिए जाएंगे, जो टीचर ने पढ़ा दिया क्लास में उसी के अंदर से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और फिर आप लोगों के वीकली टेस्ट लिए जाएंगे। अब बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम सिर्फ वीक में 3 क्लासेस होंगी तो सिलेबस क्या टाइम पे फिनिश हो पाएगा, क्या हम अच्छे से सारा सिलेबस कर पाएंगे? उसके लिए बच्चों जो बच्चे हमारे पास रेगुलर रहेंगे इन 4 वीक के प्लान्स में, उनको हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराएंगे। क्या एक्स्ट्रा रहेगा उनके लिए? उनको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है? वीकली 3 क्लासेस से बढ़ा के 4 या 5 डेज आपकी क्लासेस हो जाएंगी। आप लोगों को प्रिंटेड लर्निंग मटेरियल दिया जाएगा, मीन्स प्रिंटेड आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके साथ साथ पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग आपको टीचर्स दिए जाएंगे कि अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप सेम टाइम पे उस टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। ये फैसिलिटीज आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है? लेकिन आप लोगों को हमारे रेगुलर स्टूडेंट बनना ही पड़ेगा। यहाँ तक मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? आ गया सब बच्चों को यहाँ तक अच्छे से समझ में? एम्स दिल्ली में कितनी सीट अवेलेबल होता है? बेटा एम्स दिल्ली में ना आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, तो आपको क्या करना है उन सीट से? तो सिर्फ आपको अपना टारगेट रखना है, मुझे तो मेरी सीट मिल ही जाएगी।